नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है पौराणिक कथा चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हिरण्यकश्यप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हिरण्यकश्यप एक असुर था जिसकी कथा पुराणों में आती है। वह हिरण्याक्ष का भाई था जिसका वध प्रभु नरसिंह अवतार के द्वारा किया गया है। यह हिरण्यकर्ण वन नामक स्थान का राजा था जो कि वर्तमान में भारत देश के राजस्थान राज्य में स्थित है, जिसे हिंडौन के नाम से जाना जाता है। हिरण्याक्ष उसका छोटा भाई था जिसका वध बड़ा अवतार ने किया था। दोस्तों, हिरण्यकश्यप के वरदान के बारे में हम जानेंगे और उसके कई अनसुने रहस्य के बारे में। आइए दोस्तों, विष्णु पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार दैत्यों के आदि पुरुष कश्यप और उनकी पत्नी द्युति के दो पुत्र थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप ने कठिन तपस्या द्वारा ब्रह्मदेव को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि वह न किसी मनुष्य के द्वारा मारा जा सकेगा और न ही किसी पशु के द्वारा, न दिन में मारा जा सकेगा, न रात में, न घर के अंदर, न घर के बाहर किसी अस्त्र शस्त्र के प्रहार से उसके प्राणों को कोई भी असर नहीं होगा। इस वरदान से उसे अहंकारी बना दिया था और वह अपने को अमर समझने लगा था। उसने इंद्र का राज्य छीन लिया था और तीनों लोगों में अपना डंका बजा दिया था। वह चाहता था कि सब लोग उसे भगवान माने और उसकी पूजा करें। उसने अपने राज्य में विष्णु की पूजा वर्जित कर दिया था। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रह्लाद भगवान विष्णु का उपासक था और यातना एवं प्रताड़ना के बावजूद वह विष्णु की पूजा करता था। एक दिन हिरण्यकश्यप प्रह्लाद पर क्रोधित हो गया। उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह अपनी गोद में प्रह्लाद को लेकर प्रज्वलित अग्नि में चली जाए, क्योंकि होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। जब होलिका ने प्रह्लाद को लेकर अग्नि में प्रवेश किया तो प्रह्लाद का बाल भी बाका नहीं हुआ, पर होलिका जलकर राख हो गई। अंतिम प्रयास में भी हिरण्यकश्यप ने लोहे के खंभे को गर्म कर लाल कर दिया था तथा प्रह्लाद को उसे गले लगाने का। एक बार फिर भगवान विष्णु प्रह्लाद को उबारने आए। वे खंभे से नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप को महल के प्रवेश द्वार की चौखट पर, जो ना घर का बाहर था ना घर के भीतर, गोधूली बेला में, जब ना दिन थी ना रात, आधा मनुष्य और आधा पशु, जो ना नर था और ना पशु, ऐसे नरसिंह के रूप में अपने लंबे तेज नाखूनों से, जो ना अस्त्र थे ना शस्त्र थे, और उन्होंने कर डाला। इस प्रकार हिरण्यकश्यप के अनेक वरदान के बावजूद भी उसके दुष्कर्मों के कारण भयानक अंत प्राप्त हुआ। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं।